हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो रिव्यू प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं अपने चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। तो मैंने एक ऐसी चीज़ ऑर्डर की थी जो मैं अभी तक रिग्रेट करती हूँ, और रिग्रेट ये भी करती हूँ कि मैंने क्यों लगाया, और इट वॉज़ नॉट वर्थ इट। तो चलिए मैं अभी आपको वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो मैंने ऑर्डर किया। ये है एलो अर्थ विटामिन एंड हायलुरोनिक एसिड फेस सीरम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो इसके कवरिंग पे लिखा है कि इट हेल्प्स टू गेट स्मूदर एंड ब्राइटर स्किन, और पीछे बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी है, हाउ टू यूज़ पम्प द सीरम आउट ऑन फिंगर टिप, अप्लाई डॉट्स ऑल ओवर द फेस, जेंटली मसाज। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें, वो अप्लाई ट्वाइस अ डे। और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी बता दिया गया है। विटामिन सी, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड वेल रिसर्च्ड स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए इफ़ेक्टिव है ये। और इस पे ये भी लिखा है कि एज डिफाइंग एंड स्किन वाइटनिंग, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है कि एज डिफाइंग एंड स्किन वाइटनिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बिकॉज मुझे लिटरली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने जब ये यूज़ किया, एक तो इसका टेक्सचर बिल्कुल पानी जैसा था, कुछ इफ़ेक्ट तो किया नहीं, इफ़ेक्ट के बजाय मुझे उल्टा ये अफेक्ट करने लगा लिटरली मेरे फेस पर, चीक्स के साइड, चिन के पास, फोरहेड के पास, सब बारीक बारीक दाने हो रहे थे। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी ऑर्डर किया था तो मामा अर्थ था, और जब भी मेरे पास ये आया तो देखा कि एलो अर्थ है। मैं सोची शायद मुझे ऑर्डर करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों, मेरा यही क्वेश्चन है। एलो अर्थ था बॉटल पे नाम। तो हाँ, इट वॉज़ नॉट वर्थ इट। मैं आपको बता रही थी कि मेरे फेस पर, फोरहेड पर, चीक्स पर बहुत सारे बारीक बारीक दाने आ रहे थे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है, पावर ऑफ विटामिन सी एंड टर्मरिक, हेल्प्स यू टू अचीव अ रेडियंट ग्लो, देखिए प्लीज़, हेल्प्स यू टू अचीव रेडियंट ग्लो। तो मैं अभी आपको प्राइस दिखा देती हूँ, ज़्यादा विजिबल तो नहीं है शायद, इस पे इन्होंने प्राइस दिया है कितना, 1499, 1500 रुपये का सीरम जिसमें कुछ नहीं होता, और लिटरली मेरा फेस और ख़राब हो गया था 1500 का सीरम। मैंने सिर्फ एक दो वीक ट्राई किया होगा, मुझे मेरे फेस पर दाग, बारीक दाने और पिंपल्स वगैरह दिखाई देने लगे, मैंने इसे छोड़ दी यूज़ करना। और इसकी बॉटल भी लाइक होता है ना, सीरम वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, ग्लास वाली बॉटल्स होती है मोस्टली, जितने सीरम्स मैंने अभी तक यूज़ की हूँ ग्लास वाली बॉटल्स होती है, पर ये नहीं, इसका अलग ही था, ये एकदम प्लास्टिक वाली बॉटल जैसे लग रही थी। और अभी देखिए मैं सीरम निकाल रही हूँ, सीरम निकल ही नहीं रहा, पता नहीं उसका जो ये रिफिलर है उससे नहीं निकल रहा है, पता नहीं ख़राब हुआ है या क्या, अंदर से फूट गया है, और ऊपर से जो प्रेस करने का जो उसका नॉब था वो भी नहीं आ रहा था, वो भी खुल गया ऑलमोस्ट ऊपर से, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर। देखिए मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, और सीरम है इसमें बहुत, कुछ भी नहीं निकल रहा है गाइस। तो अभी इतना सब ट्राई करने से तो कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोच लिया कि हाथ पे थोड़ा सा लेके ट्राई करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हाथ में ले लिया है, और मैं लेकर थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ। आप थोड़ा टेक्सचर देखिए, पूरा पानी पानी दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है, और कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, बस इन्होंने बस लिखने के लिए लिख दिया, हायलुरोनिक एसिड स्मूदर एंड ब्राइटर स्किन, एज डिफाइंग एंड स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग क्यों लिखना था तुम लोगों को,
लोग यही सब चीज़ें देख के अच्छी है सोच कर लेते हैं, और पता नहीं इन लोगों को ऐसे सब धोखा देने में क्या मज़ा आता है। आप लोग देख सकते हैं, लाइक पूरा पानी, मैंने सिर्फ हाथ धो के आई हूँ जैसे लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। लिटरली नॉट वर्थ इट। इन्होंने मामा अर्थ बोला बोला था, मुझे पहुंच गया एलो अर्थ, और उस पे ये भी लिखा है कि पैराबेंस फ्री फ्रॉम पैराबेंस सिलिकॉन्स एंड मिनरल ऑयल। लाइक नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आई विल गिव अ डिसलाइक फॉर दिस प्रोडक्ट, आई लिटरली डोंट लाइक दिस। जब थोड़े दिन हो गए थे मैं यूज़ करी तो ऊपर का नॉब भी इसका टूट गया था, देखिए घूम रहा है। आई लिटरली डोंट लाइक दिस डिसलाइक। मैं रिव्यू भी डालूँगी अमेज़ॉन पर वापस जाके इस प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।